अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आप ही बता दीजिए अंशुमन जी, आपको क्या लगता है? शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। हे, ये ताका जाके नहीं चलेगी प्लीज। अरे अंशुमन जी, आप हमारे बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, तो हमारा तो हक बनता है ना ताका जाके करने का। हम भी तो देखें। नहीं, एक काम करें, हम आपकी मदद करते। अरे लेकिन शी लव्स हिम, शी लव्स हिम नॉट, शी लव्स हिम, शी लव्स हिम नॉट, शी लव्स हिम, शी लव्स हिम नॉट। सॉरी अंशुमन जी, हाँ शी लव्स, अच्छा जी तुम मुझसे ही चीटे, अभी बताता हूँ तुम्हें। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तो काफी है। मैं जानता था कि मेरी सुमन मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा जी, बिल्कुल, मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। अगर भगवान भी नीचे आकर कहे ना कि सुमन अंशुमन से प्यार नहीं करती, तो भी मैं मानने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि प्यार तो वो एहसास है जो हमेशा आपके साथ होता है, और मेरी फीलिंग्स मुझे ये कहती हैं कि मेरी सुमन मुझसे बहुत प्यार करती है, और तुम्हारा अंशुमन अपनी सुमन से। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो, किस्मत हमें उतना ही पास लाती है। सब
आग लगाने का ड्रामा किया, फिर हाथ जला लिया। अब क्या पूरे घर में आग लगानी होगी इन दोनों को अलग करने के लिए? केतारी भैया जी, आप जल्दी से साफ सफाई कर लीजिए, फिर किचन में हमें आपकी मदद चाहिए होगी। ठीक है जी। केतारी भैया, इस घर में ये दवा कौन खाता है? ये दवाई तो बड़के भैया खाते हैं बहुत दिनों से। अंशुमन जी, मान जी, आप महिमा जी को कैसे जानते हैं? दरअसल महिमा जी आई थी हमारे पास सुमन का रिश्ता लेके, अपने बेटे राजीव के लिए। अब चूंकि अंशुमन जी और संध्या जी की शादी हो चुकी है, तो हमने इनसे यही कहा, अब सुमन के भविष्य में क्या होगा इसका फैसला सुमन और उसका परिवार करेगा। और राय बहादुर परिवार ही अब सुमन का परिवार है। नाना जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अंशुमन जी के अलावा किसी और से शादी करेंगे? हम अपनी बच्ची को अच्छे से पहचानते हैं बेटा, इसीलिए हम महिमा जी की दुविधा दूर करने के लिए ही इन्हें अपने साथ लेकर आए हैं। इन्हें तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत चिंता है बेटा। महिमा आंटी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये रास्ता गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल की घटना के बाद आप हमारी जिंदगी में कोई भी फैसला ले सकती हैं, तो नहीं, वो अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। और कल ही हम आपके घर सब क्लियर करके आए हैं। सुमन जी के अलावा पति का दर्जा हम किसी और को नहीं दे सकते, किसी को नहीं। महिमा जी, सुमन भले ही हमारे घर की बहू है, लेकिन हमने इसे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है, अपनी पलकों की छांव में रखा है। अब सुमन जो भी फैसला ले, हम सुमन के हर फैसले में उसके साथ। ठीक है बेटा? सुमन बेटा, तुम्हें दुख पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर क्या करें, हमने तुम्हारी कंडीशन देखी है यहाँ इस घर में। बेटा, कब तक परीक्षा देती रहो? तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है, हम तुम्हारी जिंदगी राजीव के साथ देख रहे हैं। अब अंशुमन या फिर इस घर के लोग माने या ना माने, पर समाज के नजर में अंशुमन की पत्नी संध्या ही है, तुम नहीं। बहुत हुआ आंटी जी, आप क्या सुमन पर अपने एहसानों का हक जता रही हैं? सुमन कोमा में थी, आपने उसका ख्याल रखा, इसका मतलब सिर्फ आप ही को उसकी फिक्र है और किसी को नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप यहां से जा सकती हैं, और यहां पर लौट कर वापस मत आइएगा। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है,
लेकिन अगर सुमन पर किए गए एहसानों की कोई कीमत है तो बता दीजिए। हम सुमन के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। अच्छा है, लेकिन बेटा जो एहसान हमारा और हमारे बेटे का सुमन पर है, उसका कर्ज तुम चाह के भी इस जन्म में चुका नहीं सकते। चलते हैं। देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।